हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ अपना पैनासोनिक का राइस कुकर। एक्चुअली ये मिनी राइस कुकर है, तो ये आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ कि मुझे इसे लिए हुए हो गए हैं 5-6 मंथ ऑलमोस्ट। तो तब से मैं लगातार इसे यूज़ कर रही हूँ, तो कैसा है मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ, वो सब आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप राइस कुकर लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं और उसे यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसमें सिंपल राइस कुकर के भी दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। तो अब मैं इसके मेन जो फीचर्स हैं सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस कर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पैनासोनिक का 1.8 लीटर राइस कुकर है। यूजली हम जो मार्केट में राइस कुकर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे कि 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और 10 लीटर, इतने बड़े भी आते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं कि बिग फैमिलीज़ के लिए होते हैं, या फिर जिन्हें राइस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनके लिए होते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत छोटी है, 2-3 जने हैं, 4 जने हैं, या फिर आपके घर में राइस कोई ज़्यादा खाता नहीं, बच्चे खाते हैं या कोई 1-2 जने ही खाते हैं, तो तब इतना बड़े राइस कुकर में इन्वेस्ट करना कुछ ज़्यादा सेंसेबल नहीं लगता। तो हमें क्या चाहिए होता है कि छोटा मिनी कॉम्पैक्ट राइस कुकर जो वही चाहिए होता है। तो ये परफेक्ट है आपकी स्मॉल फैमिली के लिए। और अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं जहाँ अपने घर से दूर रहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके कई रीजंस हैं, बिकॉज इसमें हम सिर्फ राइस ही नहीं कुक कर सकते, इसमें हम ऑलमोस्ट सारी जो अपनी कुकिंग है वो कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो बॉयल करना, बिरयानी बनाना, कोई भी ग्रेवी वाली चिकन बनाना, एग बॉयल करना, या फिर मतलब कुछ भी, आप दाल सूप हर एक चीज़ आप इसमें इजीली कुक कर सकते हैं। सो ये आपका एक ऑल इन वन प्रोडक्ट हो जाता है किचन का। तो अगर आप अकेले रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो ये वाला परचेज करना आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। तो ये वाला राइस कुकर मैंने परचेज किया था अमेज़ॉन से, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप भी सेम राइस कुकर परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। अब मैं इसके कुछ और फीचर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी क्वांटिटी जो है वो 1.8 लीटर की है, तो इसमें हम लगभग आधा किलो राइस, जो हमारे सूखे जो चावल होते हैं, आधा किलो क्वांटिटी के राइस इसमें कुक कर सकते हैं, आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर, बिकॉज इसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है वो है 0.6 kg, यानी कि 600 ग्राम। सो आधा किलो से हम इसमें थोड़े से ऊपर राइस इसमें कुक कर सकते हैं, जो आई थिंक सफिशेंट हैं 3 लोगों के लिए, तो आराम से इनफ होते हैं। तो ये ऊपर तक भर जाता है। इसमें ऑटो कुक का ऑप्शन है कि हमें सिर्फ इसमें राइस डाल देनी है एक बार पानी डाल के, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब राइस कुक हो जाएंगे, पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये अपने आप बंद हो जाता है। तो और इसमें एक फीचर है कि इसमें साइड में दिया हुआ है ये वाला स्पैचुला होल्डर। इसके साथ क्या आता है, एक तो ये स्पैचुला आता है, तो उसका होल्डर भी साथ में ही है, और उसके बाद इसमें एक लिड आता है, और इसमें लिड में एक होल है। तो इस होल से क्या है कि स्टीम जो है वो एवेपोरेट होती है, एंड उसके बाद इसके अंदर एक ऐसे जाली वाली जो है प्लेट वो आती है। ये सिर्फ इसलिए आती है जब हमें जो राइस सिर्फ राइस कुक करने हो, अगर हमें बिरयानी या फिर कुछ और कोई भी सब्जी ग्रेवी वाली या कुछ भी कुक करना हो, तो हमें इस वाली प्लेट को रिमूव कर देना होता है। और इसमें एक आता है ये वाला मेन जो हमारा पॉट है जिसमें हम कुकिंग करते हैं, तो ये वाली इसकी बॉडी हो गई राइस कुकर की। ये जो बॉडी है इसे हमें बिल्कुल भी वॉश नहीं करना होता है, इसे क्लीन करने के लिए सिर्फ एक सूखा कपड़ा इसमें चला देना है, और इस वाले पॉट को हम ऐसे निकाल कर तो इसे अच्छे से हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये अंदर से थोड़ा सा नॉन स्टिक टाइप होता है, तो इसमें जो राइस है वो अंदर स्टिक नहीं करते। इसे हमें किसी भी हार्श चीज़ से क्लीन नहीं करना होता है, सिर्फ एक स्पॉन्ज से अच्छे से इसे वॉश कर लेना होता है। तो ये तो इसके जो सारे पार्ट्स इसके साथ आए थे वो थे। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इसके मेन जो नॉब्स दी गई हैं, एक ही नॉब होती है, तो वो फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसके जो नॉब है वो एक ही है,
तो इसमें एक तो रेड लाइट दी गई है, एक कुकिंग का साइन दिया गया है और ये एक सिर्फ बटन है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाता है, मतलब इसका मतलब है कि जो बटन है हमारा प्रेस्ड है और इसमें रेड कलर की लाइट आती है। तो जब कुकिंग डन हो जाती है तो अपने आप ही ये वाला जो बटन है वो ऊपर चला जाता है और जो रेड लाइट है वो ऑफ हो जाती है। और एक और बात, जब हमने अकेले चावल इसमें कुक करने हैं तो जब हम ये वाली प्लेट इसमें डालेंगे तो जो ऐसे जो हो ये वाला है होल्डर, इसे हमने ऊपर की साइड डालना है। तो अगर हमने कुछ और बनाना है बिरयानी टाइप तो हमें इसे रिमूव कर देना है, और इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी है। और इसके अंदर जो कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ कुछ दाग आ जाते हैं यूज करने के बाद, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो हमें इसे सूखे कपड़े से ही साफ करना होता है, हमें इसे धोना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं आपको इस मिनी राइस कुकर में जो राइस है नॉर्मल बिल्कुल सिंपल राइस वो कुक करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेजरिंग कप लेने ले लेना है। मैंने यहाँ पर ये ऐसे वाला मेजरिंग कप लिया है, ये हाफ कप है। तो मैं आज आपको हाफ कप राइस कुक करके दिखाऊंगी कि इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी भी इसमें अच्छे से कुक हो जाती है। अगर आपके पास ऐसे कोई मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी आप एक ग्लास ले लें, तो उसी ग्लास की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसमें जो है पानी वगैरह वो डालना है। तो अभी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले हमें जो ये वाले चावल हैं सूखे मेजर करके अब इसे वॉश करके 15-20 मिनट के लिए इसे जस्ट भिगो के रखना है। ये वाले हैं वो आधा कप राइस, तो इसे मैंने 15-20 मिनट भिगो के रख दिया है। और इसके बाद मैं इसे डालने वाली हूँ राइस कुकर में डायरेक्टली। और अब जो इसकी पानी के मेजरमेंट है वो क्या है कि जैसे कि जो भी हमने कप मेजर किया है, अगर हमने एक कप लिया है तो हम इसमें पानी जाएगा 2 से 2.5 कप। 2.5 कप तक इसमें पानी हम डाल सकते हैं, मतलब वो आगे आपकी चॉइस है कि अगर आप थोड़े हार्ड चाहते हैं तो 2 कप डाल सकते हैं, अगर आप सॉफ्ट चावल खाना पसंद करते हैं तो 2.5 कप डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें लिया था हाफ कप राइस, तो इसमें मैं डालूंगी, सबसे पहले तो इसका मैं डबल करूंगी हाफ का, यानी 1 कप इसमें पहले पानी डालूंगी। ये तो हो गया हाफ कप, और ये एक और हो गया, तो ये 1 कप हो गया। लेकिन मुझे जो राइस है थोड़े सॉफ्ट चाहिए तो मैं इसमें हाफ से भी हाफ कप और डाल दूंगी। ये है इसकी मेजरमेंट आ गई। आपने इसमें नमक डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, लेमन डालना है, जो भी डालना है वो टोटली आपकी चॉइस है। तो मैं बिना कुछ भी डाले आज आपको इसमें कुक करके दिखाऊंगी कि रिजल्ट कैसा आता है। तो डालने के बाद हमें इसे ढक के देन इसका जो प्लग है वो ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें बस जस्ट इस वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो देखा आपने इसमें रेड लाइट ऑन होगी, तो इसका मतलब कि इसकी कुकिंग प्रोसेस ऑन हो गई है। अब हमें इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, इसे ओपन नहीं करना है इस वाले जो ढक्कन को। तो जब इसमें लाइट ऑफ हो जाएगी तभी आके हमें इसे चेक करना है। तो अभी वेट करते हैं, इसमें लगेंगे 15 से 20 मिनट, तो तब तक वेट करते हैं। तो अभी राइस जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और जो राइस हैं वो देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छे खिले खिले और अलग अलग जो हैं ऐसे बने हैं। तो ये वाला मैंने पानी इसमें थोड़ा मतलब 2.5 कप डाला था 1 कप के हिसाब से। तो ये वाले राइस जो हैं काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े हार्ड हार्ड बने जो खड़े खड़े होते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट उसका डबल अमाउंट पानी डालना है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खुशबूदार इसमें जो राइस हैं वो बनते हैं। आपको कैसा लगा ये वाला मिनी राइस कुकर? काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और पोर्टेबल भी है, तो हम इजीली इसे, ये ना एक्चुअली किचन में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता लेता, थोड़ी सी जगह पे ही ये फिट हो जाता है। और इसकी जो सबसे मेन जो बात है कि इस पर आती है पैनासोनिक की ओर से 2 साल की वारंटी। 2 साल में से कुछ भी हो तो वो इसे रिपेयर या रिप्लेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो करके देते हैं। और 5 ईयर्स की इस पर वारंटी है इसके हीटर पर। अगर इसकी हीटिंग प्लेट को कुछ भी होता है तो 5 ईयर्स की इस पर वारंटी है, तो वो रिपेयर होगी। एंड
वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और सारी रेसिपीज भी मैं बना के शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट कल वीडियो में। बाय बाय।